सच्ची दिखा रहा हूँ, ये इनको कहना पड़ेगा और जनता जूता लेकर इनके पीछे होगी कि तू आज भी गलती बोल रहा। जिस तरीके से हर बॉर्डर के एंट्रेंस पे जो है कितने लंबे लंबे मतलब 6-6 इंच के जो है कीले लगा दिए गए हैं, सरिये लगा दिए गए हैं जिससे कि ट्रैक्टर ना जा सके, कोई गाड़ी ना जा सके, तो आप कैसे 6 तारीख का आंदोलन सफल कर पाएंगे? यही तो लगाए, सब जगह लगे हुए हैं, सिंधु बॉर्डर पे चले जाइए। और देश में थोड़े लगा दिए इन्होंने सारे, अगर जितनी सुरक्षा है यहाँ दिखा रहे, अगर ये इन्होंने बालाकोट में दिखाई होती और वहाँ पुलवामा में दिखाई होती, गलवान घाटी में दिखाई होती, तो आज हमारे जवान शहीद नहीं हो पाते, जिंदे होते। और आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि बताएं मोदी जी, आज तक वो पुलवामा हमले का भाई जांच कहाँ चली गई, कहाँ चली गई जांच? लेकिन जांच तो आपकी कर रही है आईबी सीआईबी, वो कहते हैं कि इस किसान का जो रसद आ रहा है, आप मैं सवाल को दोबारा से आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से 350 किलो आईडीएक्स पुलवामा अटैक के लिए चला जाता है, लेकिन उसकी सरकार की एजेंसी आज तक उसका पता नहीं लगा पाई, लेकिन इसके विपरीत सरकार की जो एजेंसियां इस चक्कर में लगी हुई है कि किसान का रसद कहाँ से आ रहा है, खाना कहाँ से आ रहा है, आटा कहाँ से आ रहा है, दाल कहाँ से आ रहा है, आपकी वो जांच चल रही है। अरे कर लो, हमारे घरों में आटा भी है, हम किसान हैं, पैदा करें, रोज ट्रैक्टरों में हरा भर भर के छेड़ के दिखा दो, आपका भर के रखे भाई, आपका ट्रैक्टर को छेड़ के दिखाइयो ये जी, ये तो थोड़ा सा आंदोलन चल रहा, इन जांच वालों को भी देखेंगे और आदेश देने वालों को भी देखेंगे। जिस दिन आंदोलन संपूर्ण होकर घर चलेंगे हम, फिर इनका बक्कल भी तो धड़ेंगे सांटे से हम। अच्छा, जो आरएसएस और भाजपा के जो है लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे अभी भी टकराव की स्थिति रखना चाहते हैं, जिस तरीके से नंदकिशोर गुर्जर, सुनील शर्मा यहाँ के जो है नियते किसानों पे जो है लाठी डंडों से लेके जो है हमला करने की कोशिश करी, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? उनको उनकी बिरादरी ने थूक दिया, कह दिया कि ये कौन होता है ठेकेदार बिरादरी का, उनकी बिरादरी ने जवाब दे दिया, चिंता मत करो, जो भी किसानों के खिलाफ बोलेगा उसी का परिवार ही उसे मारेगा। नहीं, आप इस बात से कैसे सहमत हैं जब उसके खिलाफ 24 घंटे का समय देके किसानों ने जो है FIR दर्ज कराई, 24 घंटे का समय दिया, लेकिन वो आदमी आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ क्योंकि वो भाजपा का है। नहीं, उसने पहला चांटा देश के गृह मंत्री के मुंह पे मारा, दूसरा चांटा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह पे मारा, उसने कहा कि अगर सरकार में दम नहीं है तो इसका मतलब सरकार निकम्मी है, ये तो उसी ने कह दिया, अपनी सरकार को डूब के मर जाए गृह मंत्री और डूब के मर जाए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, के एक विधायक की इतनी हिम्मत के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को चैलेंज कर रहा, चिट्ठी लिख रहा कि तारे में दम नहीं है तो मैं कराऊं, और उसे भी कह दिया तेरे में भी दम है तो तू भी आ जाइए भाई। अच्छा, आखिर में चलते चलते क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को, अगर गति देनी है हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, क्या आह्वान करना चाहेंगे कि इस आंदोलन को कैसे और तेज किया जाए? मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा, किसान ऐसा इतिहास लिखेगा इस बार कि सरकारों को पढ़ना मुश्किल होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।